यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से है, जहां पर मिनी सचिवालय पर सरपंचों का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। गुरुग्राम के सभी सरपंच यहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की ऑनलाइन प्रणाली से नाखुश होकर ये प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा। ये अपनी मांगों को लेकर विरोध जताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन और जिला उपायुक्त को इस दौरान प्रदर्शन के बाद ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, मिनी सचिवालय पर सरपंचों का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। गुरुग्राम के सभी सरपंच विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और मिनी सचिवालय पर। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार की ऑनलाइन प्रणाली से नाखुश सरपंच बताए जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही इस दौरान अपनी मांगों को लेकर विरोध भी जताएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी उनकी ओर से सौंपा जाएगा। सरपंचों की ओर से जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, सरपंचों का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल, आज गुरुग्राम के सरपंच जो है मिनी सचिवालय में सरकार की जो ऑनलाइन प्रणाली है उसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है उससे उनको काफी नुकसान हो रहा है और उनके गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तो इसी को लेकर आज वो जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे और अपनी मांगों को लेकर विरोध भी जताएंगे। जी गुलशन, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फकीर चंद इस वक्त सरपंच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। फकीर चंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम। जी फकीर चंद जी, आज विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है सभी सरपंच, क्या कुछ वजह है? ऑनलाइन प्रणाली से नाखुश बताए जा रहे हैं। मैम, ये विरोध नहीं है, ये तो एक अपना हक है। इसमें क्या है कि जो सरकार ने पंचायती हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो बनाया हुआ है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसको अब देखो ना, एक छोटा सा राज्य है राजस्थान, उसमें सरपंच को पूरी पावर है, हमारे पास की पावर नहीं है। अब 3,000 रुपए मानदेय किया हुआ है, सफाई कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे सकते। अब जो हमारे पास ये सफी लगाई है, मैट्रिक पास लगा रखी है, मैं सपोज कीजिए मैं खुद मैट्रिक पास हूँ, मुझे लैपटॉप कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अगर मेरा ग्राम सचिव अगर पढ़ा लिखा या बीए बीएससी हो तो कम से कम पूरे नाम से कार्य कर सकता है ना वो। नहीं, ऑनलाइन प्रणाली से नाखुश है आप नहीं चाहते कि ऑनलाइन चले सारी व्यवस्था? मैम देखिए, अब ये ई टेंडर लगेंगे। हाँ। इसमें क्या है कि पहले हमने काम कराएगा सरपंच, उसके बिल सबमिट करो, वो बैंक में दो, फिर उसकी पेमेंट होगी, तब तक तो ठेकेदार हमारा सर फोड़ देगा। आप नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंट हो सारी चीजें, कि जनता को पता हो क्या काम चल रहा है? पावर है पंचायत को दे देनी चाहिए ना सरकार को। हाँ। पंचायत के पास है क्या पावर? कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ की पावर है। क्या पावर और होनी चाहिए? ना इतना कुछ और मिल रहा है। क्या पावर और होनी चाहिए? उसके लिए चंडीगढ़ को काम के लिए हमें कोई भत्ता भी नहीं मिलता, ना कोई हमारा इंश्योरेंस है रास्ते में, हमारा कुछ भी हो सकता है रास्ते में। हाँ नहीं, सरपंच के पास और क्या पावर होनी चाहिए? क्या पावर की मांग आप करते हैं? मैम, कम से कम गांव के लोग आते हमारे पास, भाई हमें ये कार्य करवाना है। हाँ। और हम कहेंगे सरकार कराएगी, सरकार के फेवर में, सरकार सही काम करे, लेकिन बिकल यहाँ की पंचायत को भी पावर दो। पंचायत की पावर नहीं है बिल्कुल भी। हाँ नहीं, लेकिन पंचायत को अगर काम करवाना है, गांव का काम करवाना है, तो उसके लिए फंड तो मिलता है पंचायत को, सरपंच को फंड तो मिलता है? नहीं, वो तो सरकार अपने ई टेंडर से काम कराएगी सरकार, पंचायत का पास पैसा है वो। अब एक एक रास्ते गांव के इतने हैं जो 15-15, 20-20 लाख से कम हो नहीं सकते। अब एक सपोज कीजिए ग्राम सचिवालय नहीं है गांव में, उसके लिए क्या 10 लाख में 20 लाख काम हो जाएगा? वो सरकार उसका पेमेंट नहीं दे सकती। तो आज जो ज्ञापन सौंपने वाले हैं आप जिला उपायुक्त को, उसके माध्यम से क्या क्या मांग जो है वो उठने वाली है? एक तो आपको पावर चाहिए ज्यादा, पंचायत को पूर्ण रूप से उसका मिलना चाहिए दर्जा, ठीक है, और कुछ ये जो ये इसकी बनाई मांग है 10-15 हजार में क्या होता है डेली का? अगर एक बार गुड़गांव जाना पड़े या चंडीगढ़ जाना पड़े, क्या खर्च लगता है? यानी यानी आपको लगता है कि जितना खर्चा जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो फंड दिया जाता है, वो नाकाफी रहता है? ही नहीं कुछ, 3,000 में होते क्या? मैम 3,000 में पेन पेंसिल जाते हैं? हाँ अब बताइए, चलिए भी नहीं है। अब सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे सकता एक सफल, मतलब क्या पावर उसके पास? सफाई कर्मचारी गांव में लगा रखे सफाई के लिए, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है जी, मतलब क्या करे वो? हमारा सर फोड़ दिया किसी हॉस्टल का। हाँ। सरकार वो देती नहीं है, बोलो जी ये बिल ले जाओ, वो बिल ले जाओ,
कम से कम पूर्ण दर्जा तो चाहिए ना सरपंच को, अभी सरपंच के पास अपनी ये पावर आप नहीं यूज कर सकते हो। देखिए लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन प्रणाली की अगर बात करें कि ऑनलाइन प्रणाली की है तो इसीलिए तो पढ़े लिखे सरपंचों को लगाने की बात की थी, इसीलिए तो पढ़े लिखे सरपंच जो है उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी सरकार की ओर से, पढ़े लिखे सरपंच अब बने। बात है ऑनलाइन प्रणाली ये ठीक है, पढ़े लिखे चाहिए लेकिन पढ़े लिखे मैट्रिक पास सरपंच है और मैट्रिक पास ही वो है ग्राम से, तो कहां से कार्य करेंगे। नेट सर्विस बिल्कुल गाँव में नहीं होती, जब गुड़गांव में नेट नहीं चलते तो मेरे गाँव में कहां से नेट चल जाएंगे। कंप्यूटर रख दो वो ग्रेड बड़ा रहेगा, मैट्रिक पास है ग्राम सचिव वो क्या कार्य करेगा मेरे पास आपको बताओ। चलिए बहुत शुक्रिया फकीर चंद जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुलशन कई समस्याएं यहाँ पर फकीर चंद की ओर से बताई गई कि समस्याएं सरपंचों के सामने क्या आ रही है, फंड की समस्याएं आ रही हैं, पावर जो है उसकी कमी उन्हें नजर आती है, तो ऐसे में आज एकजुट हो रहे हैं सरपंच, करीब कितने गांवों के सरपंच जो है वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे अपनी मांगों को उठाते हुए। देखिए गुड़गांव सोहना पटोदी आसपास के सभी गांवों के सरपंच आज एकजुट होकर के डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि पिछली सरकार में जब गांव के सरपंच को अपना विकास कार्य कराना होता था तो उस समय वो किसी भी अगर सड़क का उसे निर्माण कार्य कराना है, अपने किसी गली का निर्माण कार्य कराना है तो केवल वो एक एस्टिमेट तैयार करता था और वो सीधा जो है वीडियो ऑफिस में भेज देता था। तो अब जो है इस कार्य प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है, अब पहले वो एस्टिमेट बनाएगा उस सड़क का उस गली का और उसके बाद वो जो सरकार की जो पंचायत की जो वेबसाइट बनी हुई है वो उस पर डालेगा, उसके बाद सरकार से अप्रूव आएगा, अप्रूव के बाद जो है वो सड़क बनेगी। तो इसमें जो है काफी जो है समय लगता है, जिसको लेकर के सरपंच का कहना है कि कई सरपंच ऐसे हैं जिन्हें लैपटॉप भी चलाना नहीं आता, हालांकि सरकार की तरफ से इन्हें कोई लैपटॉप भी नहीं दिया गया है, कोई इन्हें इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है। अब हालांकि पढ़े लिखे सरपंच तो जरूर आ गए हैं लेकिन कई सरपंच ऐसे हैं जिनको लैपटॉप चलाना भी नहीं आता है। तो यही इनकी मांग है कि सरकार को ये सोचना चाहिए, या तो सरकार को हर सरपंच को एक लैपटॉप ऑपरेटर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर देना चाहिए, जिससे कि जो वेबसाइट उनकी बनी हुई है पंचायत की वो उसे सही तरीके से चला सके, क्योंकि अभी सरपंच को यही भी नहीं पता है कि जो अगर इन्होंने कोई भी अपना एस्टिमेट बनाना है तो वो कौन सी साइट पर जाना है, कौन सी साइट के माध्यम से किस कॉलम में वो एस्टिमेट डालना है। तो इस तरह की काफी जो है उन्हें समस्याएं आती है, उससे कि गाँव का विकास जो है वो रुका हुआ है और अभी तक जो 3.5 साल का वक्त सरकार का लगभग 4 साल का हो चुका है, उन 4 साल में सरपंच का यही कहना है कि गांवों में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। चलिए बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर तमाम जानकारी के लिए। तो आज कई गांवों के सरपंच एकजुट हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रणाली को लेकर आवाज उठाएंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही इस दौरान जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, कई मांगे उनकी ओर से उठाई जा रही है और साथ ही इसी को देखते हुए आज सरपंच मिनी सचिवालय पर एकजुट होंगे।